ओके अब हमने जो है अपना कैटेगरी पेज जो है उसको हमने कस्टमाइज करना है, ठीक है। उसका यहाँ पे हेडर अपनी मर्जी से अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे आ जाएं प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे कैटेगरीज में आ जाए प्रोडक्ट्स की, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जितना वुमेन और मैन है। मैं अगर यहाँ पे दोनों को ओपन कर लूँ तो यहाँ पे दोनों जो है, अच्छा ये मैं एडिट कर दिया, मैंने व्यू करना है दोनों को। यहाँ से मैं इसको व्यू कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको व्यू कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है पेज इसका कुछ इस तरह आपको शो होगा, ठीक है। इसको हमने जो है कस्टमाइज करना है, इसकी कैटेगरी को, इसकी भी कैटेगरी को, जो जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके मुताबिक आपने इसको कस्टमाइज करना है तो वो आप कर सकते हो। वो मैं कहाँ से करूँगा, फर्ज करो हमने वुमेन वाली को एडिट करना है, मैं यहाँ से उसको एडिट करता हूँ। अब देखें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है वो आप यहाँ से दे दो, और एड अपलोड इमेज यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं अगर इमेज अपलोड कर दूँ, यहाँ जो ऑलरेडी हमारे पास इमेज है, मैं यहाँ से कोई ये इमेज फर्ज करने लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ यहाँ पे हमारे पास इमेज शो हुआ कि नहीं। तो ये देखें हमारे पास जो है हेडर में उसका जो है इमेज शो होना शुरू हो गया, पे वुमेन बैग भी शो हो रहा है उसके लिए। तो यहाँ पे हमने जो भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। ओके इसी तरह जो है मैन की मैं अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखे दिखा भी दूँ, ठीक है। मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी, तो मैं इसको अपडेट करता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखें यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन शो भी होने लग गई है, ठीक है। इस तरह आपने जो है किसी भी कैटेगरी को, जो मैन की है, बैक की है, वुमेन की है, जितनी भी आपने कैटेगरीज क्रिएट की हुई हैं, जिसको भी आपने कस्टमाइज करना है उसको आप यहाँ से बआसानी, ठीक, एडिट करके कर सकते हो।